बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट को इसको समझ में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बुक में शायद ये इतना क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि स्टूडेंट इसको आसानी से अप्लाई कर सकें। तो आइसोमरिज्म दो तरह के थे, बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तो आपने कहा था कि जी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, यानी उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, तो उनको आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ये वाले जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनकी जो एटम की अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट होती है, 3D अरेंजमेंट जो होती है स्पेस के अंदर, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या चीज होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो इस वजह से इनको आप कहते हैं ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। इज इट क्लियर? यानी इनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होने की वजह से ये क्या बन जाते हैं, आपस में आइसोमर बन जाते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंफर्मेशनल, एक क्या होते हैं, कंफर्मेशनल। देखें इनकी डिफिनेशन आ गई कि दोस्त आइसोमर विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस आर कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स। नंबर वन इज कॉन्फिगुरेशनल एंड नंबर टू इज कन्फर्मेशनल। आपसे कोई कहे कि इन दोनों में क्या फर्क होता है, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगुरेशनल में, तो ये सेपरेबल होते हैं, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये नॉन सेपरेबल होते हैं, यानी इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्लियर? यानी एक को आप अलग कर सकते हैं और एक दूसरे से और दूसरे को अलग नहीं कर सकते। तो अब हमने आज के जो लेक्चर के अंदर पढ़ना है वो बेसिकली इसी के ऊपर बात कर रही है, जो है कंफिगुरेशनल आइसोमर। ये दो तरह के होते हैं, मजीद अगर इनकी क्लासिफिकेशन की जाए, एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरे क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन कौन से होते हैं जी, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और दूसरे होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन से होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कुछ लोग इनको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल दो तरह के होते हैं, एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स, और फिर ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हैं, आसान होती है, थोड़ा सा इसके लिए ब्रेक कर लेते हैं फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलें तो अब बात करते हैं हम यहां से, हमने कहा कि कुछ लोग इसको एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स में क्लासिफाई करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को, और इनको आगे उसमें सब क्लासिफाई कर देते हैं। तो हमने कहा कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सारे के सारे क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। मतलब जो मिरर इमेज नहीं होते, डाइस्टीरियोमर्स क्या होंगे, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो डाइस्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं और एनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं। अब यहां से अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सारे के सारे क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे, जबकि ये क्या हो सकते हैं, ये एनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं और ये डाइस्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या होते हैं ये आगे हम देखते हैं इनको मजीद। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं और इनको कैसे आप पहचान सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जिनके लिए जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो मैं लिखता हूं। नंबर वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो पहली कंडीशन क्या है कि
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन या कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर डबल बॉन्ड नहीं भी होगा फिर भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, इसी वजह से मैंने वर्ड यूज किया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, हर कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अटैच होनी चाहिए, दो डिफरेंट एटम्स अटैच होने चाहिए। ईच कार्बन मस्ट हैव टू डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, यानी कुछ भी चीज जिस तरह से भी आप इसको डिफाइन करें तो ये क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो फिर वो कंपाउंड क्या करेगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपने जो पढ़े हैं वो एक है सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिर्फ सिस ट्रांस ही नहीं होती बल्कि एक और इसकी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म जिसको हम कहेंगे ईजेड फॉर्म। क्या कहेंगे, ईजेड फॉर्म। और इसके अलावा तीसरी एक फॉर्म होगी जिसको हम कहेंगे सेन एंटी फॉर्म, यानी एंटी और सेन फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। ये तीन तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सिस ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें तो सिस ट्यूब्यूटीन और ट्रांस ट्यूब्यूटीन जो कॉमन एग्जांपल आप लेते हैं, जैसा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके अगर दोनों एटम एक तरफ है, सेम एटम, और यहां पर ये दोनों इस तरफ है, ये एक। अब दूसरे में इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसमें ये CH3 इधर और ये CH3 इधर। देखिए इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। अगर इसको ए बी सी और डी माना जाए तो ए बी सी और डी माना जाए तो ये बिल्कुल सेम है। लेकिन अब यहां पर ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन इनकी एटम की जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं जिसमें दोनों सेम ग्रुप अगर एक साइड पे आ गए तो आप इसको सिस का नाम देते हैं, सिस टू ब्यूटीन। क्या नाम देते हैं, सिस टू ब्यूटीन। और इसको क्या नाम देंगे, ट्रांस का नाम देंगे। अब यहां पर देखें कंडीशन नंबर वन जो मैंने कहा था कि क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो पाई बॉन्ड अगर आ गया तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। फिर इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के ऊपर इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3 है, दो डिफरेंट है, इस कार्बन के ऊपर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये हमारी डिफिनेशन के मुताबिक इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो करते हैं। अब ये क्यों शो करता है, लेट्स सपोज अगर यहां पर इस कार्बन को मैं इधर होल्ड कर देता हूं, एक कार्बन को यहां पर होल्ड कर देता हूं और इस कंपाउंड को रोटेट करवाता हूं, यानी एक कंपाउंड को यहां पर होल्ड कर देते हैं इस कार्बन को और इसको रोटेट करवाते हैं, तो ये रोटेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अगर ये CH3 इस तरफ है या ऊपर वाली साइड पे है तो ये एक मेक अ डिफरेंस। यानी यहां पर देखिए इसको मैंने फिक्स रखा हुआ है, H ऊपर वाली साइड पे, CH3 नीचे वाली साइड, इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन इसको यहां से क्या किया हुआ है, रोटेट किया हुआ है, ये CH3 को ऊपर ले गए और H को नीचे। ये पाई बॉन्ड की वजह से इसकी रोटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी तो फिर जब ये बांड टूटेगा नहीं, ये ऊपर जा नहीं सकता खुद बहुत, ये एक कंपाउंड हो नहीं सकते, ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अगर दोनों सेम ग्रुप एक साइड पे आ गए सिस और अगर डिफरेंट साइड पे आ गए तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। इज इट क्लियर। टाइम की कमी की वजह से मैं इसकी कुछ ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा, तो इस तरह से सिस ट्रांस। अब बात करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर बात करते हैं ईजेड फॉर्म की। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, जैसा कि यहां पर मैं एक फॉर्म लिख देता हूं कि अगर मेरे पास ये वाला एक कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी और यहां पर इधर है CH3 और इधर है C2H5 और यहां पर है जी इधर OH कर लेते हैं और यहां पर कर लेते हैं जी हमारे पास C2H5 कर लेते हैं और यहां पर NH3 कर लेते हैं, यहां पर H कर लें और यहां पर क्या कर लें, NH2 कर लें। अब आपसे यह कहा जाता है कि क्या यह कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है,
यस, क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है? तो आपके ख्याल में क्या होगा कि क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है? यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। कैसे? देखिए, आपने बेसिक कंडीशन को देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है वो फुलफिल हो रही है। इस कार्बन के साथ इधर एच है और इधर क्या है, एनएच टू है, तो ये दो डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है? हैं? इधर भी देखें सी एच थ्री और इधर ओ एच है, ये भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये नहीं, अगर इसमें मैं इनको इसी तरह से होल्ड कर दूं और इसको टिल्ट करके, इसको रोटेट करके अगर मैं इधर लेके जाना चाहूं, ये रोटेट नहीं होता, तो अगर ये वाली फॉर्म हुई, ये डिफरेंट फॉर्म कंसिडर की जाएगी। अब देखें, बिल्कुल सेम ग्रुप तो एक साइड पे नहीं है, तो यहां पर भी सिस और ट्रांस का कंसेप्ट होता है, लेकिन जब इस तरह के ग्रुप डिफरेंट हो तो फिर उसको सिस की जगह हम वर्ड यूज करते हैं जेड का। क्या वर्ड यूज करेंगे? जेड का। और ट्रांस की जगह वर्ड यूज करते हैं ई का, ई जेड फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। अब इसके लिए कैसे है, तो आप हायर प्रायोरिटी ऑर्डर को फाइंड करते हैं। किसको फाइंड करते हैं? हायर प्रायोरिटी ऑर्डर को, यानी जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड वाले कार्बन है उनसे जो जुड़े हुए एटम है उनके एटॉमिक वेट को देखेंगे। यानी यहां पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ क्या है? कार्बन, और इधर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हायर एटॉमिक वेट का है, हाई डेंसिटी का है, इसको आप सर्कल कर दिया मैंने कि इसकी हायर प्रायोरिटी है। और इधर देखें, एक तरफ इस कार्बन के हाइड्रोजन और दूसरी तरफ का नाइट्रोजन, ये हायर प्रायोरिटी का है। अगर दोनों हायर प्रायोरिटी वाले एक साइड पे आ गए तो वो सिस होता है, उसको जेड से जाहिर करते हैं, ये जेड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? जेड फॉर्म है। और इस केस में देखें, हायर प्रायोरिटी वाले अगर ट्रांस फॉर्म में, क्रॉस में आ रहे हैं तो उसको ई फॉर्म कह देंगे। क्या कह देंगे? ई फॉर्म कहेंगे। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं इसी की। अगर यहां पर आप चेक करें कि कंपाउंड इस तरह से आ जाए C2H5 और यहां पर आ गया CH3 और यहां पर कंपाउंड आ गया CH3 और इधर भी आ गया CH3 और यहां पर आ गया H और इधर आ गया आपके पास C और CH3। अगर यहां पर आ गया CH, सिंपल H आ गया। अब जरा इस केस को गौर से देखें तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इस कार्बन के साथ एक तरफ, ये कार्बन इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इज इट क्लियर? कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। और यहां पर कार्बन के साथ भी क्या लगे हुए? मजीद कार्बन। देखें, इस कार्बन से जो यहां पर एटम जुड़ा हुआ है, अगर उसके एटॉमिक वेट को देखने, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अगर हायर एटॉमिक वेट वाला होता उसको हम हायर प्रायोरिटी देते, लेकिन अब दोनों सेम है तो फिर नेक्स्ट वो किससे जुड़ा हुआ है ये देखेंगे। ये आगे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखें कि ये कार्बन जो है इधर C2H5 से जुड़ा हुआ है, ये हायर प्रायोरिटी वाले है। दो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप आपस में क्या है? क्रॉस में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? क्रॉस में आ रहे हैं। तो ये ई फॉर्म है। ये क्या है? ई फॉर्म है। यानी जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, अगर वो डायरेक्टली किसी दो डिफरेंट एटम से जुड़े हैं तो देखेंगे जिस एटम का एटॉमिक वेट ज्यादा है आप उसको हायर प्रायोरिटी वाला मान लेंगे, और दूसरे को भी ये साथ ऐसे ही देखेंगे। अगर वो दोनों एक साइड पे आ गए तो उसको सिस यानी जेड फॉर्म कह देंगे, अगर क्रॉस में आ गए उनको ट्रांस यानी ई फॉर्म कह देंगे। अगर सारे जैसा कि कार्बन इधर भी आ रहा है, कार्बन इधर भी आ रहा है, फिर नेक्स्ट देखेंगे ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, इधर ये नेक्स्ट ये कार्बन आगे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हायर प्रायोरिटी मान लेंगे अगर वो ज्यादा एटॉमिक वेट वाले से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप सिस और ट्रांस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई जेड वाली फॉर्म में। इज इट क्लियर? अब यहां से जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म है वो है सेन एंड फॉर्म। क्या है? सेन और एंड फॉर्म। जैसा कि आप यहां पर सी डबल बॉन्ड सी और यहां पर सी एच थ्री, इधर आप एच ले लें और यहां पर क्या ले लें? सी डबल बॉन्ड एन कर लें और यहां पर ओ एच कर लें, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर कार्बन 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 टू नाइट्रोजन, एक बात और क्लियर होगी कि यहां पे कार्बन कार्बन के ही होना लाजमी नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आया तो फिर भी ये क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। और यहां पर इस कार्बन और नाइट्रोजन की अगर बात कर रहे हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, इस कार्बन की एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन और एक तरफ क्या है? सी एच थ्री। दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं,
यस दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। यहां पर आई तो नाइट्रोजन के तो बॉन्ड ही तीन है, इसका OH आ गया लेकिन इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो क्या ये नहीं शो करेगा? यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। इज इट क्लियर? तो यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जब इसमें इन्वॉल्व हो जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिर इसको सैन एंड कहेंगे। कैसे? देखें H और OH अगर दोनों एक साइड पे आ गए, H और OH दोनों एक साइड पे आ गए तो इसको आप क्या कहेंगे? सैन फॉर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सैन फॉर्म कह सकते हैं। और अगर ये क्रॉस में आ जाए तो इसको आप एंट फॉर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एच और OH अगर इस तरह से सेम आ गए तो इसको आप क्या कहेंगे? सैन फॉर्म कहेंगे। और अगर ये डिफरेंट अगर क्रॉस में आ गए तो आप इसको क्या कह सकते हैं? एंड फॉर्म कह सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखनी हो किसी कंपाउंड में तो सबसे पहले देखेंगे क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और फिर आप ये देखेंगे कि जो जिन एटम के दरमियान अगर कार्बन कार्बन की बात कर लें, अगर जो कार्बन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उनके साथ हर कार्बन के साथ इंडिविजुअली देखना है। यहां से किसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इधर नहीं देखना, इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्या इसके साथ भी दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इज इट क्लियर? तो आपके लिए दो इससे बनने वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपसे। एक क्वेश्चन ये है कि अगर साइक्लोप्रोपेन हो, देखिए बात बच्चे ये समझे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना मस्ट है, मैंने कहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन बाज ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना हो लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में होना मस्ट है। देखिए साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं, साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं और उसके साथ अगर डिफरेंट ग्रुप्स लगा दें हम इस तरह से, जैसे कि ये मैंने लगाया क्लोज स्ट्रक्चर तीन कार्बन वाला, इसके साथ एक तरफ है जिधर वही लगाया और इसका ही दूसरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये कार्बन यहां पर H और OH है, यहां पर OH ऊपर लगा देते हैं और H को नीचे लगा देते हैं, तो यहां पर इस तरफ से अगर इसको लगाएंगे तो क्या ये सेम फॉर्म है? नहीं। देखें यहां पर भी क्योंकि साइक्लिक फॉर्म आने से अब सिग्मा सिंगल बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर सकता, आम ओपन चेन हम सिंगल बॉन्ड इस वजह से नहीं लेते कि ये वाला सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये क्या कर सकते हैं? रोटेशन कर सकते हैं, इसको कार्बन के अंदर पकड़े इसको रोटेट करें तो ये रोटेट कर जाएगा, तो इस वजह से अगर ये वाला ऊपर हो या ये वाला ऊपर हो तो कोई डिफरेंट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये रोटेशन नहीं कर सकता। तो अगर साइक्लो अल्केन हुआ, साइक्लो अल्केन हुआ तो वो भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। साइक्लो अल्केन्स कैन आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इज इट क्लियर? अगर वो कंडीशन को फॉलो करता है। क्लियर? चलें आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन फॉर्मेलिटी को ले लेते हैं, फॉर्मिक एसिड को ले लेते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ और OH, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? यस, यहां पे पास करके खुद आप आंसर दें, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? आप खुद से ट्राई करें, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस केस में क्या होगा। अगर आप इस जगह को देख रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इस कार्बन के साथ एक एच और एक OH दो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सैलिक एसिड के अंदर रेजोनेंस हो रही है, तो मैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं जहां पर ये बॉन्ड के इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर इसके साथ एच है और यहां पर क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन रह जाएगा। अब यहां पर इस केस में देखें, इस केस में देखें कि इधर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां पर इसके साथ क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके एक तरफ ये आ गया और एक तरफ ये आ गया, तो ये अब यहां पर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इस ऑक्सीजन के साथ एक तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक तरफ एच, और यहां पर एक तरफ ऑक्सीजन और यहां पर क्या है? एच, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज इस कार्बन के साथ भी है और इधर भी है, तो ये वाला क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पास वाला हूं और किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी आपके पास वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप उसको क्या कहेंगे? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो हमें पता चला कि फॉर्मिक एसिड
shows geometrical isomerism. Geometrical isomerism. Isomerism. यहां तक मेरे ख्याल से आपको geometrical isomerism अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसको apply भी कर सकते हैं. कुछ मजीद डिटेल में बात अगर आप कहें तो कर सकते हैं इससे, लेकिन आपके लिए फिर वक्त जहां तक आपके कोर्स कंटेंट के हिसाब से इतनी चीजें काफी हैं. अब इनको अच्छे से रिवाइज करें. अब हम मूव करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरफ. किसकी तरफ? ऑप्टिकल. ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की. ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए हम बात करते हैं ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी. कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? देखें, अगर कोई कंपाउंड जो है उसके ऊपर आप लाइट को फॉल करवाते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को आप जब उसके ऊपर फॉल करवाते हैं तो ये कंपाउंड है, इसके ऊपर आपने लाइट को गुजारा. लाइट के दो कंपोनेंट होते हैं आपको पता है. एक, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है लाइट ना, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक होता है. लेकिन जिसके एक ही कंपोनेंट हो एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि निकोल प्रिज्म वगैरह से गुजार के आप उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना दें जिसके एक ही कंपोनेंट हो, फिर उसको जब इसमें से गुजारें अगर वो लाइट अनडिफ्लेक्टेड जिस डायरेक्शन में थी वैसे ही यहां से आउट हो गई है इस कंपाउंड के अंदर से, अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की तो हम ये कहेंगे कि ये कंपाउंड जो है ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव कंपाउंड है. यानी ये कंपाउंड ऑप्टिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा. इज इट क्लियर? यानी जब प्लेन पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड के ऊपर आप किसी सैंपल से गुजारते हैं और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो आप कहते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है, इनएक्टिव कंपाउंड है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं कर रहा होता. लेकिन इसके बरक्स अगर ये जो आपने लाइट इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हम बात नहीं करते. प्लेन पोलराइज लाइट जिसके अंदर एक ही कंपोनेंट रह जाए, जब इसको आप इस इंसिडेंट करते हैं या तो ये क्लॉकवाइज घूम सकती है या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है. इज इट क्लियर? अगर ये लाइट क्लॉकवाइज घूम गई, यूं घूम गई, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई तो इसका मतलब यह है कि ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है. कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर जिसने लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया उसको प्लस लेते हैं और उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी. याद रहेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है. क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे माइनस से जाहिर किया जाएगा और उसको बोलेंगे लेवो रोटेटरी. क्या बोलेंगे? लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी कंपाउंड. क्लियर? अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर भी सेम है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन उसका बिहेवियर टूवर्ड लाइट अगर सेम नहीं है, उसके फॉर्मूला सेम है, उसका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ जो बिहेवियर शो कर रहा है वो एक जैसा नहीं है, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं. वो क्या है? दोज आइसोमर्स विच शो डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर. इवन दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला. उनका स्ट्रक्चर फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है. क्या होता है? सेम होता है. क्या चीज डिफरेंट होती है? बिहेवियर, बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट, बिहेवियर, बिहेवियर टूवर्ड्स पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, या उसको क्लॉकवाइज घुमा देगा या उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे. इज इट क्लियर? ऑप्टिकल आइसोमर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास चार टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जिनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स होते हैं. इसके अलावा हम मीजो कंपाउंड की बात करेंगे और हिस्टेमिक मिक्सचर की बात करेंगे कि ये क्या होते हैं. इज इट क्लियर?
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स और डाय स्टीरियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं और डाय स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, इज इट क्लियर? एनेंशियोमर्स वो ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? दे आर मिरर इमेज, दे आर मिरर इमेज, मिरर इमेजेस, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इंपोज नहीं होते, डू नॉट सुपर इंपोज ऑन ईच अदर, डू नॉट सुपर इंपोज ऑन ईच अदर, क्लियर? और ये वाले डायस्टीरियोमर्स क्या होंगे? नॉट नॉट द मिरर इमेज, दे आर नॉट द मिरर इमेज, ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होते एंड डू नॉट सुपर इंपोज, डू नॉट सुपर इंपोज और सुपर इंपोज भी नहीं होते एक दूसरे पे, याद रहेगा? फॉर एग्जाम्पल सुपर इंपोज होने का मतलब यह है कि अगर एक कंपाउंड जैसा कि ये हाथ है और इस हाथ को मैं इसके यूं अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे रखूं तो ये एक दूसरे के सुपर इंपोज हो गए, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये एक दूसरे के सुपर इंपोज नहीं हो रहा, जो एटम जिधर है वो बिल्कुल उसी जगह पे उसके ऊपर आ जाए तो ये सुपर इंपोज हो जाते हैं, इज इट क्लियर? तो इस तरह के कंपाउंड को आप बोलेंगे अगर वो मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इंपोज नहीं होते, वो एनेंशियोमर्स है। अगर वो मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इंपोज भी नहीं होते तो वो डाय स्टीरियोमर्स है, वो डाय स्टीरियोमर्स है। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टार्टारिक एसिड की एग्जांपल लेते हैं। किसकी एग्जांपल लेते हैं? एग्जांपल ले ली टार्टारिक एसिड की, टार्टारिक एसिड। देखें ये कार्बन 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 और ये कार्बन, यहां पर इसको हम कहते हैं सी डब्लो एच, यहां भी कह देते हैं सी डब्लो एच, इधर एच लगा देते हैं, इधर ओ एच लगा देते हैं, इधर ओ एच लगा देते हैं और यहां पर एच लगा देते हैं, इधर क्लियर? इधर क्लियर? अब यहां से जब हम इसका एक मिरर इमेज बनाते हैं, इसका मिरर इमेज ऐसे होगा कि लेफ्ट साइड राइट पे आ जाएगी और राइट साइड लेफ्ट पे आ जाएगी, यहां पर इसका ओ एच इधर आ जाएगा और एच इधर आ जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहां पर इसका अगर देखें तो ओ एच इधर आ गया और एच इधर आ गया और सी डबल ओ एच, देखा जाए तो ये भी ऐसे घूम जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये आपस में क्या आ गए? मिरर इमेज आ गए, ये क्या आ गए? मिरर इमेज आ गए, इज इट क्लियर? ये आपस में मिरर इमेज आ गए। अब ये मिरर इमेज तो है, इज इट क्लियर? ये मिरर इमेज है, लेकिन अगर इस वाले स्ट्रक्चर को मैं उठा के बिल्कुल इधर रखूं तो ये इसका एच इसके ओ एच के ऊपर आएगा, यानी यहां से मैं इसको ऐसे ही उठाता हूं और यहां पर इंपोज करने की कोशिश करता हूं तो इसका एच इसके ओ एच के ऊपर आएगा, इसका ओ एच इसके एच के ऊपर आएगा, यानी एग्जैक्टली सेम एक दूसरे के ऊपर एटम नहीं आ रहे तो ये सुपर इंपोज नहीं हो सकते। तो स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर ए और बी आपस में क्या है? एनेंशियोमर्स है। ए और बी आपस में क्या है? एनेंशियोमर्स है, याद रहेगा? एनेंशियोमर्स है, याद रहेगा? ये एनेंशियोमर्स है कि ये मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इंपोज नहीं हो रहे, इज इट क्लियर? और यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर सी बनाता हूं, स्ट्रक्चर सी बनाता हूं, जैसा कि यहां पर सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसी का फॉर्मूला सेम रहेगा, सी डबल बॉन्ड, मैं इसको इधर करके बना देता हूं थोड़ा, सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहां पर इसके ओ एच लगा देता हूं, यहां पर क्या लगाता हूं? एच लगा देता हूं, यहां पर ओ एच लगा देता हूं और यहां पर एच लगा देता हूं और सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब स्ट्रक्चर जो सी है वो ए या बी में से किसी का भी मिरर इमेज नहीं है, आप गौर करें तो उसके एक ओ एच और एक एच है, इसके दोनों एच एक साइड पे, ये किसी का भी मिरर इमेज नहीं है, इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर सी, यानी आपसे कोई कहते हैं ए और सी की बात करें, किसकी बात करें? ए और सी की बात करें, क्या ये मिरर इमेज है? तो आप कहेंगे नहीं है। बी और सी की बात करें तो क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है। क्या ये सुपर इंपोज होते हैं? नहीं है। तो आप कहेंगे बी और सी, बी और सी या ए और सी, ये आपस में क्या है? ये डायस्टीरियोमर्स है, ये क्या है? डायस्टीरियोमर्स है, यानी बी और सी वाला स्ट्रक्चर जो है या ए और सी वाला स्ट्रक्चर जो है
ये आपस में ना तो मिरर इमेज है और ना ही सुपर इंपोज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायस्टीरियोमर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स को समझिए आप कि एनेंशियोमर्स मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन सुपर इंपोज नहीं होते, जबकि डायस्टीरियोमर्स की बात करते हैं तो वो मिरर इमेज भी नहीं होते और सुपर इंपोज भी नहीं होते। आप ए और सी के स्ट्रक्चर को देख लें, दोबारा से इसके ऊपर गौर कर लें, बी और सी के स्ट्रक्चर को देख लें, तो ये आपस में ना तो मिरर इमेज है और ना ही ये सुपर इंपोज हो रहे हैं। तो इस तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स को आप कहेंगे कि ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज जो हमने कहा था, रिसेमिंग मिक्सचर्स क्या होते हैं, और दूसरी साथ में मैंने वर्ड यूज किया था मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड, मीजोमर्स, मीजो कंपाउंड। अब ये मीजो मर्ज जो होते हैं ये इस तरह के आइसोमर्स हैं। देखें, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के इनको समझने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए कुछ कंडीशन है। नंबर वन, कि उसके अंदर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, एक होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, याद रहेगा, कायरल सेंटर होना चाहिए, और यानी उसके चारों डिफरेंट ग्रुप से वो एटम जो है वो चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, कायरल सेंटर होना चाहिए, और दूसरी बात वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होगा ज्यादातर, और क्या होना चाहिए, नंबर थ्री क्या है कि वो क्या हो, नॉन सिमेट्रिकल हो, नॉन सिमेट्रिकल हो, वो किसी भी जगह से दो बराबर इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड हो सकता हो, इंटरनली वो आपस में मिरर इमेज ना बनाता हो। अगर बना रहा है, इनमें से कोई भी कंडीशन फेल होगी तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। चले इसको हम देखते हैं कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर देखे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जरा स्ट्रक्चर नंबर वन पे आते हैं, स्ट्रक्चर नंबर वन पे देखें तो ये जो कार्बन ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है तो ये तो कायरल कार्बन ही नहीं है। क्यों कायरल कार्बन? इस वजह से नहीं है कि ये सी डबल बॉन्ड और OH, एक तरफ से O, एक तरफ से OH और एक तरफ से इस ब्रांच से चार डिफरेंट ग्रुप्स ही नहीं है। इज इट क्लियर? दूसरे लफ्जों में देखें तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये तो कायरल सेंटर हो नहीं सकता। यहां पर इस कार्बन को देखें, कार्बन नंबर टू को, यहां पर इसके एक तरफ H है, एक तरफ सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, एक तरफ OH है और एक तरफ ये ब्रांच है, तो मैं इसको स्टार कर देता हूं कि ये एक कायरल सेंटर है। नीचे वाला कार्बन भी एक कायरल सेंटर है, चारों डिफरेंट ग्रुप से H है और ये भी sp2 वाला, ये नहीं हो सकता। तो इसके अंदर कितने, दो कायरल सेंटर है, कितने, दो कायरल सेंटर है। यहां पर एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रख लें कि अगर एक ही कायरल सेंटर होता है किसी कंपाउंड में वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब यहां से इस चीज को चेक करने के लिए, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के लिए sp3 हाइब्रिडाइज वाला हमने देखा और हमने ये कहा कि अब इज इट क्लियर, कायरल सेंटर के बाद देखेंगे अगली कंडीशन कि क्या कंपाउंड नॉन सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। यानी इसको यहां से डिवाइड कर लेते हैं, यहां से ऊपर वाला इधर एच है इधर OH है, यानी ये बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में नहीं कट सकता इस पॉइंट से, तो ये नॉन सिमेट्रिकल है। ये क्या है, नॉन सिमेट्रिकल है, कायरल सेंटर भी है, तो ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। स्ट्रक्चर नंबर टू को अगर देखें, बी को सेम, ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। लेकिन चलें मूव करें स्ट्रक्चर नंबर सी के ऊपर, यहां पर ये sp2 वाला है, ये तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कार्बन, दोनों क्या है, कायरल सेंटर है। इज इट क्लियर? यानी ये कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच है और ये भी कायरल सेंटर है, चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, लेकिन उसके बाद क्या ये नॉन सिमेट्रिकल भी है? अगर यहां से इसको मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं तो देखिए इसका ऊपर वाला हाफ और इसके नीचे वाला हाफ बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ये किसी एक को, अगर ऊपर वाले हाफ और नीचे वाले हाफ को देखें तो ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। अगर एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया। यानी किसी भी जगह से ये इक्वल हिस्से में डिवाइड हो सकता है, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा। इज इट क्लियर?
कि अगर काइरल सेंटर है भी लेकिन कंपाउंड सिमेट्रिकल बन जाता है और एक दूसरे का मिरर इमेज बना के वो ऑप्टिकल रिएक्टर नहीं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, जब इसके ऊपर आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो हाफ पोर्शन ऑफ डेड कंपाउंड लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमाता है, हाफ पोर्शन अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो हाफ पोर्शन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, लाइट जैसी गई थी वैसे ही रहेगी, लाइट की किसी किस्म की रोटेशन नहीं होगी। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। यहां पे एक्चुअली कंसेप्ट क्या हुआ है, यहां पे कंसेप्ट हुआ है इंटरनल कंपनसेशन, यानी इसने इंटरनली खुद को कंपनसेट किया है, यानी इस कंपाउंड के आधे हिस्से ने लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया और आधे हिस्से ने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो जिस वजह से इंटरनली कंपनसेट होकर लाइट जैसी गई थी वैसे ही आई, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव न रहा। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। इज इट क्लियर? काइरल सेंटर वो होता है जो चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, अगर एक ही काइरल सेंटर है तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और एक से ज्यादा अगर काइरल सेंटर है तो फिर देखना पड़ेगा कहीं कंपाउंड सिमेट्रिकल तो नहीं हो रहा। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर काइरल सेंटर, अगर लेट्स सपोज आपसे कहते हैं कि काइरल सेंटर का होना जरूरी है, तो बास कंपाउंड ऐसे हैं कि काइरल सेंटर ना भी हो तो वो काइरलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। काइरल सेंटर को कार्बन सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर का नाम भी दिया जाता है। तो इस तरह से काइरल सेंटर ना भी हो तो वो आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, कार्बन अगर सेंटर ना भी हो तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, लेकिन एक काइरल सेंटर वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक से ज्यादा काइरल सेंटर हो तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कहीं कंपाउंड सिमेट्रिकल तो नहीं है। इज इट क्लियर? आपको अभी तक एनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स और मीजोमर, मीजो कंपाउंड की समझ आई है, मीजोमर्स की, कि जिनमें इंटरनल कंपनसेशन की वजह से काइरल सेंटर होने के बावजूद वो सिमेट्रिकल बन जाते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहते, उनको बोलते हैं मीजो कंपाउंड या मीजोमर्स। क्या बोलते हैं? मीजोमर्स। अब यहां पर एक लास्ट चीज रह गई है जिसको हम कहते हैं रिसेमिक मिक्सचर, एक टर्म यूज होती है रिसेमिक मिक्सचर की। अगर कोई आपसे कह दे कि ये रिसेमिक मिक्सचर क्या होता है तो आप कहेंगे रिसेमिक मिक्सचर, या आपसे कोई कहे कि एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या है, एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या है, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, आप कहेंगे कि देखें कि ये जो दो एनेंशियोमर्स थे, एक ए और एक बी, ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। ए वाला अगर लाइट को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज घुमाता है, ये नीचे से ऊपर अगर कार्बन पे देखें और ग्रुप राइट साइड पे है, तो अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अ मिक्सचर विच कंटेन ए एंड बी अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, यानी ए और बी जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, अगर एक मिक्सचर है जिसके अंदर ये दोनों हैं, क्या वो मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या उस मिक्सचर का नाम क्या होगा? आप कहना कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाले जाएं और वो दोनों आपस में क्या हो, मिरर इमेज हो। मिक्सचर ये कैसा मिक्सचर होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। अगर ऐसा कोई मिक्सचर है, क्या जी, ऐसा कोई मिक्सचर है जिसके अंदर दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और वो क्या है, मिरर इमेज भी है, यानी एनेंशियोमर्स है। याद रहेगा, आप खुद सोचें कि एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो लाइट जैसी जाएगी वैसे ही निकलेगी, लाइट को अब ये रोटेट नहीं कर रहा, तो दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिक्सचर जो ऑप्टिकली नॉन एक्टिव बन गया, एन एक्टिव बन गया, ठीक है, नॉन एक्टिव या एन एक्टिव जो भी, ठीक है, तो अगर ये जो बन गया, इसको आप बोलेंगे रिसेमिक मिक्सचर, यानी आपने यहां पर ए और बी, एक जो एनेंशियोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, उन दोनों को साथ में डाल दिया, तो फिर कंपाउंड जो मिक्सचर है, सॉरी, अब वो मिक्सचर क्या हो गया, जो ऑप्टिकली नॉन एक्टिव हो गया, तो अब इसको रिसेमिक मिक्सचर बोलेंगे, और इस कंसेप्ट को एक्सटर्नल कंपनसेट किया जाता है, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि वो लाइट को रोटेट ना करे या वो नॉन ऑप्टिकली बन जाए, तो हमने क्या किया, उसके साथ एक पेयर में डाल दिया, अगर एक क्लॉकवाइज जितना घुमा रहा है, दूसरा उसका मिरर इमेज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये क्या बन गया,
रिसेमिक मिक्सचर बन गया। ये शॉर्टली कोशिश हमने की है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको समझाने की कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे होते हैं। इसमें हमने सबसे पहले ऑप्टिकल कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन की बात की, फिर हमने उसके अंदर मजीद कहा कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, रिसेमिक मिक्सचर क्या है, और मिजोमर या मिजो कंपाउंड क्या होते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां पर बात करते हैं कि जैसा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट फॉर द टार्टारिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे इज इक्वल टू एन स्क्वायर, कैसे फाइंड करेंगे एन स्क्वायर से। यहां पर एन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर्स है, ऑप्टिकल सेंटर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, एन क्या है ऑप्टिकल सेंटर की तादाद है। जैसे कि टार्टारिक एसिड के अंदर देखें दो ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसका अगर आप बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, कितने आने चाहिए 4 आने चाहिए। लेकिन आपने अभी स्टडी किया इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हुए कि इनमें से क्या था, एक क्या था मीजोमर था, क्या था मीजोमर था, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं था, तो उसको बीच में से माइनस कर देंगे, तो मैंने 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके बच जाएंगे। इज इट क्लियर? आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ C6H12O6 आर प्रेजेंट, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इसके। जी तो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे एल्डिहाइड फॉर्म बना रहे हैं या कीटोन फॉर्म बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे C(OH)। मैं वैसे यहां पर बना रहा हूं 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन 5 और ये 6 कार्बन। अगर यहां पर देखें H और OH, यहां पर HOH ही होगा, HOH, यहां पर देखें अगर OH इस तरह से अगर आ रहे हैं तो यहां से ऊपर ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, नीचे ब्रांच डिफरेंट है, तो इसके अंदर जो ऑप्टिकल सेंटर्स आएंगे आपके पास, तो 1 ऑप्टिकल सेंटर 2 3 और 4 ऑप्टिकल सेंटर आएंगे, क्योंकि इसके यहां पर देखें दोनों तरफ क्या है हाइड्रोजन है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। इस कार्बन को देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो इसके अंदर भी आप कहते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो 4 ऑप्टिकल सेंटर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4 ऑप्टिकल सेंटर आ रहे हैं, तो फिर ऑप्टिकल सेंटर पता चल गया तो ऑप्टिकल आइसोमर बता सकते हैं एन स्क्वायर, एन क्या है नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, 4 का स्क्वायर 4 4 16 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट, आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट, तो 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको ट्राई करें, होपफुली वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।